नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं आज की बड़ी खबरों के साथ जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यूनियन बैंक ने सस्ते किए होम और कार लोन। जम्मू कश्मीर के गरीबों को भी मिलेगा नौकरियों में 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 30 से बढ़कर अब हुई 33। राजस्थान सरकार ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए मनाया कानून। BSNL ने पेश किया 345 दिन का नया प्रीपेड प्लान, हर दिन मिलेगा 5GB डेटा। दोस्तों अब खबरें विस्तार से। आज की पहली बड़ी खबर होम और कार लोन को लेकर है। सरकारी क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ने 1 अगस्त से होम और कार लोन सस्ते कर दिए हैं। यूनियन बैंक ने अलग अलग अवधि के कर्ज पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी मक्लर में कटौती की है। यानी यूनियन बैंक से होम या ऑटो लोन लेना सस्ता हो गया है। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मक्लर में 0.20% तक की कटौती की है। बैंक ने कहा कि एक साल की मक्लर को 8.55 से घटाकर 8.50% किया गया है। इसी तरह एक माह की मक्लर को भी 8.30 से घटाकर 8.10% किया गया है। वहीं 3 महीने और 6 महीने की मक्लर में 0.10% की कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अब जम्मू कश्मीर के सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। यानी देश भर में लागू सामान्य वर्ग को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का नियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। दरअसल कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों को तो आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के निवासी इससे वंचित रह जाते थे। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी है। देश भर की अदालतें जजों की कमी से जूझ रही हैं और लाखों मामले पेंडिंग हैं। इससे पहले एनडीए सरकार ने साल 2016 में उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या में बढ़ोतरी की थी। साल 2016 में देश के हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या 906 थी, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाते हुए 1079 किया था। उधर देश में लगातार बढ़ रहे आनर किलिंग और मॉब लिंचिंग यानी पीट पीट कर जान लेने की घटनाओं ने राज्य सरकारों को कानून बनाने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान सरकार ने इस ओर एक पहल करते हुए 2 विधेयक विधानसभा में पेश किए हैं। इन विधेयकों में वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019 और राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 शामिल हैं। विधेयक के अनुसार कथित सम्मान के नाम पर की जाने वाली हिंसा भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को अपने निर्णय में इस संबंध में कानून बनाने की सिफारिश की थी। अब आखिर में आपको BSNL की नई लंबी वैधता वाली प्रीपेड प्लान की जानकारी दे देते हैं। इस प्लान की वैधता 345 दिनों की है और इसकी कीमत ₹1188 है, लेकिन यह प्लान सिर्फ 90 दिनों तक ही मिलेगा। इस प्लान की शुरुआत 25 जुलाई से हो चुकी है। इस प्लान में कुल 5GB डेटा और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, लेकिन फिलहाल मुंबई और दिल्ली सर्कल में कॉलिंग फ्री नहीं होगी। इस प्लान में कुल 1200 SMS मिलेंगे। इस प्लान के बारे में आप नजदीकी BSNL दफ्तर से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की 5 बड़ी और ताज़ा खबरें। हर दिन की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए जरूरी है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको यह खबरें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नमस्कार, शब आखिर।